आपके पास साइबर कैफे है, डिजिटल कैफे है और आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आपके दुकान किसी काम का नहीं है, क्योंकि दोस्तों उस दुकान में आपका बहुत सारे ऐसे काम है और बहुत सारे ऐसे ग्राहक है जो आपके दुकान से फिर के चले जाएंगे। बिना सीएससी आईडी नहीं रहने पर आप उनका काम नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आपके पास एक सीएससी आईडी होना जरूरी है। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आपको दुकान खोलने के कोई भी फायदे नहीं है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने का माध्यम क्या है, जिससे कि आपका जो सीएससी आईडी है वो आपको एक से दो दिनों में आपका मिल जाए, और सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना कितना आसान है। और यहां पे विदाउट टीसी नंबर के और विदाउट टीसी एग्जाम के आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको सीएससी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको यहां पे टीसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, डायरेक्ट आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करके सीएससी आईडी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं कि आपको कैसे सीएससी आईडी लेनी है और अप्लाई कैसे करनी है, अब सभी को मिलेगा सीएससी आईडी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास मोबाइल है आप मोबाइल से सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मोबाइल से भी आपको सीएससी आईडी तुरंत मिल जाएगा। सबसे लिए इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहां पे आना है और यहां पे आपको सर्च करना है सीएससी, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं अपना सीएससी आईडी दिखा देता हूं, सीएससी आईडी मेरा भी यहां पे मिल चुका है। डायरेक्ट हम यहां पे क्लिक करते हैं, हमारा सीएससी आईडी आपके सामने यहां पे हो चुका है। अब यहां पे देख सकते हैं कि हमारा जो सीएससी आईडी है वो यहां पे हमारा चालू हो गया है, ठीक है। यहां पे हमारा सीएससी आईडी चालू हो चुका है जो आप यहां पे सामने देख सकते हैं। तो मैंने सीएससी आईडी कैसे लिया है इसी का एक्सपीरियंस आपको बताने वाले हैं कि आप भी सीएससी आईडी तुरंत ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक से दो दिनों में सीएससी आईडी लिया है तो आप भी सीएससी आईडी एक से दो दिनों में ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों आने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आपको सीएससी आईडी में देखने को मिल जाएगी और यहां पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि सर्विस में अगर जाते हैं तो यहां पे सीएससी में आपको पता ही है कि सीएससी में बहुत ही ज्यादा सर्विस देखने को मिलती है। जैसे कि आप जितने भी काम इंडिया में है वो सभी सर्विस आपको सीएससी आईडी में देखने को मिलती है। और यहां पे अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो यहां पे कुछ कमीशन भी आपको सीएससी आईडी में मिलती है। जैसे कि हमने जो सीएससी आईडी लिया है उसमें हमें यहां पे आधार की काम भी मिल चुकी है, इंश्योरेंस का भी काम मिल चुका है, जो आप यहां पे इंश्योरेंस का भी काम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहां पे मेरा देख सकते हैं कि ये जो बैच है ये इंश्योरेंस का बैच है, यहां पे इंश्योरेंस का आईडी मुझे मिल चुका है तभी यहां पे हम सीएससी आईडी ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे सीएससी आईडी में हमें पूरे काम जितने भी काम आपको यहां पे दिख रहे हैं वो सभी काम हमें यहां पे मिल चुका है। जैसे कि यहां पे हमें सर्च वाले ऑप्शन में जाके आपको दिखाते हैं कि सर्च में हम सीएससी आईडी जो लिए हैं वो सर्च वाले ऑप्शन में दिखाते हैं कि हमें आधार का काम मिला है या नहीं। तो चलिए यहां पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में लेके गए और यहां पे डायरेक्ट हम सर्च करते हैं यूसीएल, ठीक है। यहां पे जैसे हम यूसीएल सर्च करेंगे यहां पे देख सकते हैं कि आधार डेमोग्राफी अपडेट, जहां पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर ये सब कुछ अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड में और ग्राहक के आधार कार्ड में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्लाइंट आईडी मिलेगा, वो क्लाइंट आईडी आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद कस्टमर, किसी भी जिस कस्टमर का मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं, नाम मतलब चेंज करना चाहते हैं, आधार नंबर चेंज करना चाहते हैं तो ये सब आप यहाँ पे डालेंगे। आई एव एग्री पे क्लिक करेंगे, वॉलेट का पिन आप डालेंगे। आपको पता है कि सीएससी आईडी में एक वॉलेट रहता है जिसमें आपका पैसा मतलब पहले से जमा रहता है, तो वो पैसा आपको यहाँ पे वॉलेट पिन डालेंगे तभी ये पैसा कटेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर सामने दिख रहा होगा तो ₹50 यहां पे चार्ज लगते हैं तब जाके आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट होता है। और उसके बाद कुछ कमीशन भी ₹10-15 मिल जाते हैं, जिसके बाद लगभग आपको ₹35-40 यहां पे आपको एक आधार कार्ड में मतलब बनाने में अपडेट करने में लगता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे आपको सीएससी आईडी के लिए तो आपने अप्लाई करना है, तो सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहां पे क्रोम ब्राउजर में चले जाना है और यहां पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे कि यहां पे मैं क्रोम ब्राउजर में आ चुका हूं और यहां पे मैं सर्च वाले ऑप्शन में गया, ठीक है। यहां पे आपको सर्च करना है, जैसे कि यहां पे थोड़ा देर वेट कीजिए, जैसे कि नेट मेरा स्लो काम शायद कर रहा है तो यहां पे आपको थोड़ा देर वेट करना। तो डायरेक्ट हम यहां पे आते हैं, यहां पे आने के बाद यहां पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है सीएससी और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहां पे मैं सीएससी रजिस्ट्रेशन यहां पे मैंने सर्च कर दिया। जब यहां पे सीएससी रजिस्ट्रेशन मैंने सर्च किया तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि सीएससी रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन देखने को मिल गया, यहां पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपका सीएससी रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे खुल जाएगा। यहां पे दोस्तों आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि यहां पे VLE रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन बिगिनिंग, यहां पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ए न्यू प्रोसेस, ठीक है। यहां पे देखिए एप्लीकेशन ए न्यू प्रोसेस,
मतलब अभी न्यू प्रोसेस चालू हो चुका है। एप्लीकेशन अगर आप देना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और जल्दी से जल्दी आप अपना मतलब सीएससी आईडी ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर ए न्यू प्रोसेस और उसके बाद अलाउड शॉर्टली, मतलब तुरंत आपको ये आईडी मिलेगी और वो भी कितने दिन में, तो करेंट मंथ में। यहाँ पे करेंट मंथ आपको दिया गया है, शायद आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप ओल्डर प्रोसेस से करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर न्यू प्रोसेस से करते हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाली है। डायरेक्ट यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक या टू रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट नीचे आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई में, यहां पे रजिस्ट्रेशन में, तो यहां पे आएंगे, यहां पे रजिस्ट्रेशन में आपको वैलिड योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको यहां पे देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पे आपको सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि इतने बहुत सारे ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, जैसे कि एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बाद ईएएफपीओ, ठीक है, प्राइवेट बैंकिंग पीएफपीएस, उसके बाद ऊर्जा देवी आरडीडी, उसके बाद एनयूएलएम, एसएचजी बैंकिंग। अगर आपके पास बैंकिंग आईडी है तो बैंकिंग आईडी से भी आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। अगर आपके पास एनजीओ है तो एनजीओ से भी सीएससी आईडी ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे प्राइवेट बैंकिंग अगर आईडी है, जैसे कि आपने सीएसपी खोला है, तो भी आप यहां पे सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे हमारे भाई का यह क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, हम एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो हमें सीएससी आईडी कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको यहां पे सीएससी बीएलई पे क्लिक करना होगा। जैसे सीएससी बीएलई पे क्लिक करेंगे तो यहां पे टीसी नंबर मांगा जाता है। अगर आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहां पे चार्ज देना है, जैसे कि आप यहां पे टीसी एग्जाम देकर अगर सीएससी आईडी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको यहां पे अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे हम आपको बताते हैं कि आपको यहां पे चार्ज देकर सीएससी आईडी कैसे ले सकते हैं, और उसके बाद यहां पे आपको बताएंगे कि अगर आप विदाउट टीसी सर्टिफिकेट के और विदाउट टीसी रजिस्ट्रेशन के और विदाउट टीसी एग्जाम के अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको टीसी एग्जाम देने की जरूरत है, तो टीसी सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, तो यहां पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पे एक टीसी सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम टीसी सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करते हैं, टीसी रजिस्ट्रेशन पे, डायरेक्ट हम यहां पे आएंगे, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं टीसी रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहां पे हमारा टीसी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है यहां पे हमारा खुल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि सीएससी टर्म यहां पे आपको .in का ऑप्शन मिलेगा और यहां पे आपको टीसी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे थोड़ा देर लोडिंग ले रहा है, अभी ये वेबसाइट थोड़ा स्लो काम कर रहा है इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको लॉगिन विद अस का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन विद अस में आप क्लिक करेंगे तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहां पे एक ऑप्शन दिया गया है पब्लिक यूजर, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन यहां पे अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले उसको यहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। अगर आप एक न्यू यूजर है तो आपको न्यू यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम आप यहां पे दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए, पापा का नाम यहां पे दे दीजिए, उसके बाद यहां पे अपना स्टेट दे दीजिए। बहुत सारे हमारे भाई का ये क्वेश्चन है कि अभी बिहार में अप्लाई हो रहा है या नहीं, तो बिहार में अप्लाई अभी हो रहा है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि बिहार में अभी अप्लाई हो रहा है। और उसके बाद यहां पे दोस्तों देखेंगे कि आपका जेंडर आपके आईडी प्रूफ में क्या है, तो जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, यहां पे क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ ईयर है, तो यहां पे डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, ठीक है। यहां पे आपको क्लिक करना है, जो भी मतलब ईयर है, जो भी मंथ है वो डाल देंगे। और उसके बाद यहां पे आप अपना पूरा एड्रेस देंगे, और ये एड्रेस कहां का होना चाहिए, तो ये एड्रेस आपके दुकान का ही होना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखिए तो ये एड्रेस आपके दुकान का होना चाहिए। यहां पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, फोटो आपको हाफ फोटो अपलोड करना है। जैसे कि आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए आपको जो फोटो आप लगाते हैं वही फोटो आपको यहां पे भी लगाना है। उसके बाद कैप्चा आपको भर के और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके आपको यहां पे एग्जाम दे देनी है। एग्जाम कैसे देना है उसके लिए एक वीडियो बना के आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है टीसी एग्जाम में, ठीक है। वो सब कुछ जाने के बाद आप यहां पे अप्लाई करेंगे, टीसी नंबर आपको मिल जाएगा। अगर वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहां पे अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको टीसी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना है, ठीक है। फाइनल एग्जाम कैसे देना है, असिस्टमेंट एग्जाम कैसे देनी है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो यहां पे आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, आपको अपना नाम देना है, पापा का नाम देना है, मम्मी का नाम देना है, दुकान का एड्रेस देना है, घर का एड्रेस देना है
और उसके बाद आपके पास आचरण सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नंबर आपको यहाँ पे दे देना है और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको एक कैंसिल चेक लगानी है, अप्लाई करने के बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ लेगा और जल्दी ही आपको सीएससी आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपको सीएससी आईडी तुरंत चाहिए, अभी के अभी चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्या बता रहे हैं, आपको ये बता दूंगा कि मतलब कैसे आपको सीएससी आईडी तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को अभी सीएससी आईडी मिली है, ठीक है, आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को सीएससी आईडी मिल ही चुकी है। आपके आसपास में भी बहुत सारे लोगों को सीएससी आईडी मिला होगा। तो अब दोस्तों सीएससी आईडी बहुत सारे लोगों को मिला है, तो उनसे आप सीएससी आईडी कैसे लेंगे और सीएससी आईडी के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहां पे दोस्तों आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एमआई अकाउंट का, ठीक है, और ना जस्ट नीचे ऑपरेटर का आपको ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे भाई हमारे कमेंट में ये करते हैं कि आप हमें ऑपरेटर की आईडी दीजिए, तो ऑपरेटर की आईडी मैं नहीं दे सकता क्योंकि मतलब यहां पे बहुत सारे हमारे व्यूअर है, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर है जो हमारे अपने दोस्ती है। तो दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि अगर हम एक को देंगे तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, दूसरे को देंगे तो तीसरे को बुरा लग जाएगा। यहां पे तीन ही ऑपरेटर आईडी हम बना सकते हैं, तो इसलिए मैं किसी को नहीं बनाया हूं यहां पे दोस्तों, देख सकते हैं, और ना किसी को मैं बनाऊंगा। इसलिए आप कॉमेंट नहीं करें और कॉमेंट में अपना नंबर नहीं दे, ठीक है। यहां पे दोस्तों आपको एड ऑपरेटर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह बिल्कुल फ्री में होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एड ऑपरेटर का ऑप्शन मिलता है, यहां पे आप आएंगे, अपना आधार नंबर आप देंगे और उसके बाद यहां पे ऑपरेटर मतलब आप अपना नाम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, यहां पे मेल फीमेल जो भी है वो दे देंगे, ठीक है। यहां पे ईमेल आईडी देंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर देंगे उस पे एक ओटीपी आएगा और उसके बाद यहां पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी डाल देंगे। अब दोस्तों ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वही वाली देनी है जो सही होनी चाहिए, एकदम से सही होना चाहिए, मतलब वो गड़बड़ आप नहीं दे दीजिएगा। जैसे कि ईमेल आईडी ऐसा दे दीजिए कि भूल गए और मोबाइल नंबर ऐसा दे दीजिए जिसको हमें मतलब भुला देना है, ठीक है। तो ऐसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको नहीं देना है, ये परमानेंट वाली देनी है। आई एफ एग्री पे क्लिक करके सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पे सीएससी आईडी जो है वो चालू हो जाती है। और चालू होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे माई अमाउंट पे अकाउंट पे आना है और आपके ईमेल आईडी पर एक आपको सीएससी आईडी नंबर चला गया होगा, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद आपके पास एक मंत्रा या मर्फो का कोई भी फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि अगर कुछ टाइम के लिए आपको सीएससी आईडी चाहिए तो सीएससी आईडी कुछ टाइम के लिए ये वाली आईडी चला सकते हैं, ऑपरेटर की आईडी किसी भी अपने ऑपरेटर आसपास के दोस्त से, चाहे रिश्तेदार में किसी को भी सीएससी आईडी मिला होगा तो उनसे भी सीएससी आईडी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीएससी आईडी चाहिए परमानेंट वाली जो खुद का आपका हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको टीसी एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद ही आपको यहाँ पे सीएससी आईडी मिलती है। एग्जाम कैसे देनी है वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए यही बताता है इस वीडियो में, वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।